हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल काउंटडाउन एक्स पर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संदीप। एंड या गाइस, आई एम आल्सो हियर, आई एम सुबो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। बट बिफोर गेट स्टार्टेड, मेक श्योर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले तो हमारे इस लिस्ट पे नंबर 10 पर जो फैक्ट है वो है वेजिटेरियंस ऑफ इंडिया। तो आपको पता ही होगा कि इंडिया पहले से ही एक रिलीजियस कंट्री रही है, इसी वजह से इंडिया में काफी ज्यादा वेजिटेरियन लोग रहते हैं। एक सर्वे के मुताबिक तो ये पता चला है कि 70% वेजिटेरियन लोग सिर्फ इंडिया में ही रहते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर सारे दुनिया का वेजिटेरियन लोग को अगर इकट्ठे भी किया जाए तो भी इंडिया से कम ही होगा। अब आ जाते हैं नंबर 9 पर। तो नंबर 9 पर आता है भारत का कुंभ मेला। तो चलो भाई, अब इसके बारे में तुम बताओ हमारे दोस्त। क्या मैं बताऊं? चलो ठीक है। तो ये जो कुंभ का मेला है वो दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और ये मेला हर 3 साल में बस एक बार मनाया जाता है, गंगा और यमुना के संगम के पास। और एक स्टडी के मुताबिक पता चला था कि इस मेले में करीब करीब 3 करोड़ लोग आते हैं हर बार। और एक रिसर्च में ये भी पता चला था कि 2013 में दुनिया के सबसे ज्यादा लोग आए थे इस मेले में, करीब 10 करोड़ लोग। तो अब पता चला आप लोगों को कि ये बिछड़े हुए भाइयों की कहावत क्यों फेमस है इतनी। अब भाइयों का बात आया है तो अगला फैक्ट भाई तुम बताओ। So the fact number 8 is India has never invaded any country. मतलब इंडिया ने पिछले 1 लाख सालों में किसी भी कंट्री को पहले अटैक नहीं किया था। लेकिन काफी लोगों का कहना है, इनफैक्ट आप लोगों में से भी कई लोग शायद इस बात को गलत कहेंगे, लेकिन दोस्तों सच तो यही है कि इंडिया इंसानी इतिहास के सबसे पीसफुल देशों में से एक है। तो देखा दोस्तों, हम इंडियंस कितने शरीफ है। नंबर 7 पर जो फैक्ट है वो कबड्डी से रिलेटेड है, क्योंकि मेरे भाई को कबड्डी खेलना काफी पसंद है। तो ये फैक्ट तो अब वही बताएगा आप लोगों को। हाँ, ये बात तो सही है कि मुझे कबड्डी खेलना काफी पसंद है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को ये पता है कि इंडिया आज तक हर एक कबड्डी वर्ल्ड कप जीतती आई है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि आज तक कबड्डी वर्ल्ड कप सिर्फ 3 बार ही हुआ है, एक बार 2004 में, एक बार 2007 में और एक बार 2016 में। तो देखा ना दोस्तों, हम इंडियंस भी किसी से कम नहीं है। तो अब देखने की बात यह है कि अगली बार कौन जीतता है। और हमारे लिस्ट में अगला जो फैक्ट है नंबर 6, खरी बाउली। हाँ, मुझे पता है आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये खरी बाउली अब क्या है। सो लेट मी एक्सप्लेन। तो खरी बाउली एक स्पाइसेस का मार्केट है। अब ये मत सोचना कि ये कोई छोटा मोटा मार्केट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का मार्केट है। इस मार्केट का लोकेशन है ओल्ड दिल्ली और आजकल ये प्लेस सही में काफी ज्यादा पॉपुलर है टूरिस्ट। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये मार्केट कितने साल का पुराना है? मुझे पता है आप में से कईयों को पता भी होगा कि ये कितने साल पुराना है, पर फिर भी जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये मार्केट करीब 400 साल पुराना है। तो अब हमारे लिस्ट में जो अगला फैक्ट है, अब भाई ये फैक्ट तो मुझे ही बताने दो। तो नंबर 5 पे है इंग्लिश स्पीकर्स ऑफ इंडिया। पूरी दुनिया में यूएस के बाद इंडिया में ही सबसे ज्यादा इंग्लिश बोला जाता है, मतलब इंडिया इंग्लिश बोलने की तरफ से दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन इस स्टडी के मुताबिक इंडिया में करीब 12.5 करोड़ लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। और दोस्तों, मजे की बात ये है, लेकिन अगर प्रेजेंट के टाइम को देखा जाए तो इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो भी किसी से कम नहीं है। इसरो ने भी काफी सारे कारनामे करके दुनिया को दिखा दिया है। इंडिया ने ही सबसे पहले 2009 में चांद पर पानी को खोज निकाला था। अब भाई अगला फैक्ट तो अब तुम ही बताओ। अच्छा, तो हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट फैक्ट है नंबर 3, अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। हाँ, तो दोस्तों इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क लगा है। अगर एक्यूरेट नंबर्स की बात करूँ तो इंडिया में पूरे 1,55,015 पोस्ट ऑफिसेस है, यानी कि 7,175 लोगों के लिए बस एक पोस्ट ऑफिस। और इन्हीं में से एक पोस्ट ऑफिस है श्रीनगर के डाल लेक में, जो कि पानी में तैरता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये पोस्ट ऑफिस पानी में तैरता है। और एक बात, ये पोस्ट ऑफिस पूरी तरह से एक फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस के श्रेणी में आता है। इस पोस्ट ऑफिस को सबसे पहले 2011 में अगस्त के महीने में खोला गया था। अब बारी है सेकंड फैक्ट की, जो है द इंडियन फर्स्ट रॉकेट वाज ट्रांसपोर्टेड बाय ए साइकिल। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना कि इंडिया ने जो पहला स्पेस लॉन्च का रॉकेट बनाया था वो एक साइकिल से ट्रांसपोर्ट किया गया था। दरअसल ये रॉकेट इतना छोटा और इतना हल्का था कि उसको साइकिल में ले जाना संभव हो पाया था। इस रॉकेट को केरला के थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया गया था। तो नंबर 1 पर जो फैक्ट है
वो है द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि है वाराणसी। हाँ दोस्तों, वाराणसी को पूरी दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये शहर करीब 5000 साल पुराना है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च से ये पता चला है कि ये शहर 5000 साल तो नहीं लेकिन 3 से 3500 साल पुराना है। हाँ तो दोस्तों, यही था 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। तो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर बाय चांस वीडियो पसंद ना आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्यों पसंद नहीं आया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।